उत्तराखंड में 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जस की तस हैं। वहीं स्कूलों में शौचालय नहीं तो कहीं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में बैठने की सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड, खेलने की सामग्री, टीचरों की कमी है। ये कि बाजार के सभी लोग यहाँ पर आते हैं शाम को स्कूल बंद होने के बाद, तो जिससे बार बार नल टूटना, यहाँ पर गंदा करना, टॉयलेट में ताले हुए तो कई बार ताले टूट जाते हैं, और बैठने की स्थिति तो चटाई वगैरह तो वैसी स्थिति अच्छी ना होती, अच्छी स्थिति तो नहीं है अभी। टॉयलेट की समस्या सबसे ज़्यादा है। सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए सिर्फ दो टॉयलेट हैं, जिससे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कोई बच्चा मतलब नहीं जा पाता है, तथा हमारे बालिकाओं को बहुत समस्या देखनी पड़ती है। फिर जैसे बिल्डिंग भी हमारी सारी टूट चुकी है, तो हम बच्चों को उस ढंग से बिठा भी नहीं पाते हैं। बारिश वगैरह हो गई तो बच्चे सारे हमें एक साथ बिठाना पड़ता है। जब तब व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक एकल अध्यापक तो जा नहीं सकता, तो कई कार्य एकल होने के कारण कई कार्य हमारे ठीक ढंग से संपादित नहीं हो पाते हैं। अगर टीचर स्टाफ दो हों तो बेटर रहता है। ब्लैक बोर्ड की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम बच्चों को अलग अलग बिठाएँ, किस ढंग से बिठाएँ, कहीं पर जैसे धूप है अलग अलग ब्लैक बच्चे बिठाना चाहें, अलग अलग क्लास को पढ़ाना चाहें, तो ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं, ना ब्लैक बोर्ड ना तिपाई है। मैं चाहती हूं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूलों में संपूर्ण सुविधाएं मिले, इसके लिए आप भी मेरा सहयोग करें और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीएस बिष्ट को 9412436116 पर कॉल करें, ताकि बच्चों को स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। इंडिया अनहर्ड के लिए और वीडियो वॉलंटियर के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।